Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Maps. In today's video, we'll cover types of strike. इसमें हम meaning भी समझेंगे strike का और हमारे कुछ sections हैं वो हम cover करेंगे. So let's start. So हम ये सारी चीजें cover करने वाले हैं. ये हमारा syllabus है जिसमें हम इस video में सारी चीजों को cover करने वाले हैं. तो video थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो patiently ध्यान से सुनना, video को notes को देखना, आपको सब समझ आएगा. Now स्ट्राइक क्या होती है. फॉर स्ट्राइक द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अंडर 2Q डिफाइंस. ठीक है, किसमें डिफाइन है स्ट्राइक? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अंडर 2 क्लॉज 2. स्ट्राइक एज अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन. यानी वर्कर्स जो है ना, जब किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वर्कर्स एक साथ किसी चीज के ऊपर एकजुट होके अपनी एक चीज को जताते हैं, लाइक स्ट्राइक करके एक जगह बैठ कर या काम रोक कर या वहां पे काम पे ना आकर कि हमें ये चीज मंजूर नहीं है या फिर हमारे लिए ये सब चीजें करो, अपनी बात को मनवाते हैं, उसे स्ट्राइक में काउंट करते हैं या फिर किसी चीज को मना करते हैं. और अ कंसर्टेड रिफ्यूजल और अ रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन, यानी कॉमन होनी चाहिए उनकी सबकी जो भावनाएं है, मतलब कि पर्टिकुलर चीज के ऊपर उनको स्ट्रेस देना है जब स्ट्राइक कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क टू और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट. तो यानी उनकी बात मानना जरूरी है और वो एक साथ कॉमनली ये चीज सोचेंगे कि अब उन्हें कंटिन्यू करना है वर्क को या फिर एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं. तो उनकी जो भी डिमांड्स है वो अपने स्ट्राइक के थ्रू मनवाते हैं. नाउ लाइटनिंग, मैं फिर भी आपको एक बेसिक मीनिंग समझा दूं इनसे पहले, जो मैंने इस डेफिनेशन में आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाया है कि स्ट्राइक में क्या होता है. लोग जब काम बंद कर देते हैं या पार्शली काम बंद कर देते हैं और उनकी कोई बात होती है, यानी वर्कर्स की कोई बात होती है, लोग नहीं वर्कर्स, वर्कर्स की कोई बात होती है जो उन्हें मनवानी होती है, लाइक इट इज रिलेटेड टू वेजेस और इट इज रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स और समथिंग एल्स दे वॉन्ट, जो जायज होगी, उस डिमांड को कंप्लीट कराने के लिए वो स्ट्राइक पे जाते हैं. अगर कंपनी या मैनेजमेंट जो भी उनकी अथॉरिटी है उनकी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ती है और स्ट्राइक के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, तो उसे हम स्ट्राइक में काउंट करते हैं. तो अब अलग अलग टाइप की स्ट्राइक होती है तो वो हम समझ लेते हैं. लाइटनिंग और क्विक स्ट्राइक. अब लाइटनिंग और क्विक स्ट्राइक क्या होता है? दी स्ट्राइक्स अगर सडनली, ये एक तो जल्दी से मतलब सडनली एकदम से आ जाती है स्ट्राइक्स, एकदम से स्टार्ट होती है और किसी बिना नोटिस के, कोई प्रायर नोटिस नहीं होता या फिर कोई प्रायर वार्निंग नहीं होती. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम. एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री सडनली वॉक ऑफ द जॉब विदाउट गिविंग एडवांस नोटिस. जैसे अचानक ही काम करने के बीच में कोई ऐसी बात हो गई जो एम्प्लॉयज को इतनी बुरी लगी, जैसे किसी वर्कर के साथ कुछ गलत हो गया, इनके राइट्स पे कोई अटैक कर रहा है या कुछ भी ऐसा वायलेशन हो रहा है जो इनको ऐसा लगा कि नहीं, इसके एक मिनट भी हम ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे और हमारी बात को पहले पूरा करना होगा, तो एम्प्लॉयज लाइटनिंग और क्विक स्ट्राइक का सहारा लेते हैं. अब आता है टोकन स्ट्राइक. टोकन स्ट्राइक्स आर ब्रीफ वर्क स्टॉपेजेस एंड सिम्बॉलिकली प्रोटेस्ट स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस वाइल शॉर्ट इन ड्यूरेशन. एक तो ये ना कुछ स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस के ऊपर होती है और ना छोटी ड्यूरेशन के लिए होती है. ठीक है, बट फिर भी इसे हम स्ट्राइक में काउंट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, वर्क माइट स्टॉप, वर्कर्स माइट स्टॉप वर्किंग फॉर अ फ्यू आवर्स. कुछ घंटों के लिए वर्कर्स रुक सकते हैं काम करने के लिए, कोई जेस्टर दिखाने के लिए, कोई अटेंशन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अटेंशन देने के लिए कि दिस इज अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एंड यू हैव टू सी, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर इश्यूज. और जैसे कंपनी कहती है कि ठीक है, हमें इतनी देर टाइम से हम ध्यान नहीं दे पा रहे, बट हमें अभी प्रॉब्लम हमारे उसमें आ गई, नोटिस में आ गई है, विल वर्क ऑन इट. तो वर्कर्स अपने काम पे वापस चले जाते हैं, तो फिर भी हम इसे स्ट्राइक में डाल रहे हैं. इट इज कॉल्ड टोकन स्ट्राइक. गोस्लो ना गोस्लो स्ट्राइक, वर्कर्स इंटेंशनली स्लो डाउन द प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएटिंग डिलेज एंड रिड्यूसिंग आउटपुट. तो इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो जो काम करने का तरीका अपना स्लो कर लेते हैं, वो काम को स्लो कर देते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को ही स्लो कर देते हैं, जिससे डिले होता है काम पूरा होने में और जितना आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी. तो ये कंपनी को सीधा सीधा इफेक्ट करती है ये स्ट्राइक. एम्प्लॉयज, इसमें एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ मैं, एम्प्लॉयज माइट ऑपरेट मशीनरी एट अ स्लोअर स्पीड और इंटेंशनली टेक लॉन्गर ब्रेक्स. यानी कि जान बूझ कर या तो लंबे लंबे ब्रेक्स पे जा रहे हैं एम्प्लॉयज,
या फिर वो स्लो स्पीड में काम कर रहे हैं ऐसे ही जानबूझ के, मतलब इंटेंशनली दे नो दैट कि वी डोंट वांट टू वर्क बट हम दिखावा कर रहे हैं बस काम करने का, तो ये तब होती है जिससे क्या होता है प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाती है। तो ये गो स्लो स्ट्राइक है ताकि अपनी वो कोई चीज चीज है उसके ऊपर अटेंशन ले पाए, एक तरीके से बेसिकली मैनेजमेंट को परेशान करने का वन ऑफ द वे हुआ ये। नाउ मास कैजुअल लीव, ऑल एम्प्लॉयज कलेक्टिवली टेक लीव साइमेंटेनियसली। अब इसमें क्या होता है जितने भी एम्प्लॉयज है वो मिलकर लीव लेते हैं, जैसे हमने आपने स्कूल लैंग्वेज में समझा होगा मास बंक, सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्लास को बंक करते हैं, ऐसे मास कैजुअल लीव भी एक तरीके की स्ट्राइक हुई, या तो सारे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है जिसके वर्क पे इफेक्ट पड़े वो एक साथ छुट्टी ले लेते हैं, लीव ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज डन टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट। कि क्यों किया जाता है, ताकि किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाया जाए वर्कर्स की तरफ से। सो एग्जाम्पल है जैसे कि एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन में ऑल अप्लाई फॉर लीव ऑन द सेम डे डिस्टरप्टिंग रेगुलर ऑपरेशन, तो इससे क्या होगा ऑफकोर्स हर दिन इक्वली वर्क तो होता ही है और वर्क इफेक्ट हो रहा है। नाउ स्टे इन सिट डाउन पेन डाउन स्ट्राइक, वर्कर्स गैदर, वर्कर्स इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे एट देयर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे इकट्ठे हो रहे हैं बट रिफ्रेन फ्रॉम वर्किंग और लीविंग, इसेंशियली स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट ऑन प्रेमिसेस। वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है वर्क नहीं कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट कमिंग टू देयर वर्क प्लेस, अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं फिर वहां पे रुक रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग देयर एंड दे आर जस्ट लीविंग ऐसे बिना वर्क करे। सो एम्प्लॉयज में ऑक्यूपाई द वर्क प्लेस विदाउट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्क, यानी दे आर नॉट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है सो मेकिंग अ स्टेटमेंट अगेंस्ट मैनेजमेंट। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप अगेंस्ट मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज ले रहे हैं कि आप हमारी ये बात मानो तब हम यहाँ पे बैठ के ढंग से काम करेंगे अगर आपको हमसे काम करवाना है। तो इसे कहते हैं हम स्टे इन सिट डाउन पेन डाउन स्ट्राइक। नाउ जर्नल स्ट्राइक, अ जर्नल स्ट्राइक इन्वॉल्व्स वर्कर्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, मतलब अलग अलग सेक्टर से वर्कर्स आते हैं एक साथ और किसी डिमांड को पूरा करवाने के लिए, यानी कि कलेक्टिवली स्टॉपिंग वर्क टू डिमांड इम्प्रूवमेंट्स इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। और ये लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात की जाती है ऐसे स्ट्राइक्स में, जैसे कि पे हो गया, बोनसेस हो गए, ऐसे टाइप की चीजें, या फिर वर्किंग कंडीशंस। जैसे एग्जांपल है वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज यूनाइट, यानी अलग अलग इंडस्ट्री से वर्कर आते हैं एक साथ आके प्रोटेस्ट करते हैं कोई सी कॉमन इशू को लेके, ठीक है और एक तरीके से बहुत बड़ा जुट जब वर्कर्स का किसी जगह पे स्ट्राइक करता है तो कुछ चीजें डिस्टर्ब होती है और लोगों का टेंशन सीक करती है, तो इससे उनकी डिमांड पूरी होती है, कहीं ना कहीं बात आगे तक जाती है, उस कंपनी पे भी दबाव पड़ता है मैनेजमेंट पे कि आप इन चीजों को पूरा करो। फिर आता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक, वर्कर्स स्ट्राइक इन सॉलिडेटरी विद अनदर यूनियन फेसिंग इश्यूज। अब इसे सिंपैथी में क्यों काउंट किया जा रहा है कि चाहे दूसरे यूनियन का इश्यू ना हो बट वो वर्कर्स प्रजाति को एक तरीके की वो हो गई ना, तो उनको कम्युनिटी देने के लिए, सॉरी कम्युनिटी कह रही हूँ कंपनी देने के लिए, वर्कर्स को दूसरे यूनियन को कंपनी देने के लिए दूसरा यूनियन आके उनके साथ स्ट्राइक पे बैठ रहा है, तो इससे क्या होता है एक यूनाइट, एक तो यूनिटी दिख रही है यूनाइट हो रहे हैं वो, और फिर ज्यादा जितने ज्यादा लोग बैठेंगे स्ट्राइक पे, जितने ज्यादा लोग दिखेंगे स्ट्राइक पे उतना ज्यादा दबाव पड़ता है और उतनी ज्यादा एक उम्मीद होती है कि वो डिमांड आपकी पूरी होगी या मानी जाएगी, चाहे उन दूसरी जो यूनियन है जिसने साथ दिया उनको अपना कोई इशू ना हो तब भी। नाउ एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर अनदर यूनियंस, तो क्या हो रहा है इससे जो दूसरे वो एम्प्लॉयज हैं वो दूसरे यूनियन के लिए सपोर्ट दिखा रहे हैं, वो अपने पर्सनल इश्यूज के लिए नहीं आ रहे हैं उनके साथ, उनको सपोर्ट दिखाने के लिए आ रहे हैं, कॉज बाय स्ट्राइकिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग यूनिटी इन लेबर फोर्स। तो यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम अपने लाइक भाइयों के साथ हैं या फिर हम अपनी कम्युनिटी के साथ हैं। नाउ वर्क टू रूल स्ट्राइक, इन अ वर्क टू रूल स्ट्राइक डिससैटिस्फाइड वर्कर्स स्ट्रिक्टली एडहर टू एग्जिस्टिंग सर्विस रूल इन अ वे दैट कॉज इनकन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक। अब इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी टाइप की स्ट्राइक में होती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो इस तरीके से स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं जो नॉर्मल जनरल पब्लिक सर्विसेज होती है उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है जैसे एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज इंटरप्ट रूल्स इन अ मैनर दैट हिंडर्स पब्लिक सर्विसेज इनडायरेक्टली इनकन्वीनियंसिंग द पब्लिक टू प्रेशर द गवर्नमेंट। अब क्या होता है जैसे वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठ गए, रोड पे स्ट्राइक पे बैठ गए,
एंड पब्लिक को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, रोड जाम हो रहे हैं, कोई चीज मिल नहीं रही है, ऑटो टैक्सी नहीं मिल पा रही है, कुछ भी इसकी वजह से इशू हो रहा है। जो नॉर्मल, जो कॉमन, जो रिलेटेड पब्लिक नहीं है उनको भी इशू हो रहा है इस चीज की वजह से। तो इसकी तो वो पब्लिक गवर्नमेंट को बोलेगी कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट दे आर द प्रॉब्लम विच दे आर फेसिंग, आप इसे ठीक करो। ठीक है, कई बार आता है ना इन चीजों के ऊपर कि इंडिया को बंद किया गया है, कुछ स्ट्राइक है, किसी उसकी प्रोटेस्ट है, तो पब्लिक जब प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट पर, तो गवर्नमेंट को उनकी बातें सुननी पड़ती है वर्कर्स की, फिर वो एक कंक्लूजन पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ना हंगर स्ट्राइक, स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग एंड वर्किंग। अब इसमें क्या होता है, वर्कर्स जो स्ट्राइक करते हैं वो प्रोटेस्ट पे कैसे बैठते हैं, वो खाली पेट बैठते हैं, भूखे बैठते हैं, यानी दे डोंट ईट। ठीक है, और वो लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं ताकि लोगों जाके उनकी डिमांड मानी जाए। वो ये कहते हैं कि हम भूखे रहकर अपनी जान दे देंगे अगर आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते तो। और ये मोस्टली जो स्ट्राइक है ये किसी मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव से होती है, पैसों की वजह से ज्यादातर होती है, वेजेस इशू हो गया जैसे उनकी वजह से होती है। जैसे वर्कर्स माइट गो ऑन हंगर स्ट्राइक टू ड्रॉ अटेंशन टू इशू सच एज वेजेस डिस्प्यूट्स। अब आता है मास रेजिग्नेशन, नाम से ही समझ लो जैसा नाम है वही इसका काम है। जो उसमें सारे वर्कर्स एक साथ मिलके रिजाइन कर देते हैं एक कंपनी में से या जहां भी वो वर्क कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस में से, कि उसको ऑफकोर्स कंपनी को एक चाहे दो करेंगे तो कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरे हायर कर लेंगी, या फिर वो थोड़ा बर्डन दूसरों पे डाल के बाकी वर्कर्स पे प्रेशर डाल के थोड़ा टाइम लेके दूसरे हायर कर लेंगी। पर जब एक साथ मास में रेजिग्नेशन दिया जाता है तो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो एग्जाम्पल है जैसे एम्प्लॉय सबमिट रेजिग्नेशन लेटर फोर्सिंग मैनेजमेंट टू, ये कुछ वर्ड है ये, ठीक है, इन मास, आई गेस दिस इज आई, इन मास फोर्सिंग मैनेजमेंट टू एड्रेस देयर डिमांड्स टू अवॉइड अ स्टैंड स्टिल, कि अब आपका काम रुक जाएगा एंड वी ऑल विल लीव टूगेदर। तो इफ यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट थिंकिंग, आप हमारी डिमांड के बारे में नहीं सोच रहे हो, इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आर डिमांड्स देन वी आर लीविंग। तो इन सब में एक बात का ध्यान रखना है, वर्कर्स की नाजायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जायज होती है जो उन पे ही बात की जाती है। नाउ ये मैंने कुछ सेक्शंस लिखे थे कि आप जो कंटेंट है उसके अलावा भी आप अलग से सेक्शंस को इनको पढ़ लें, हम आगे कंप्लीट करेंगे इन सेक्शंस को समझेंगे, बट आप ऐसे भी लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, ईजी रहता है अलग से अगर मैं लिख देती हूँ तो। नाउ इन लेबर लॉ द लीगैलिटी, अब हम लीगैलिटी की बात कर रहे हैं स्ट्राइक्स की, कितनी लीगल है कितनी इलीगल है। सो इन लेबर लॉ द लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक्स इज गवर्न बाय स्पेसिफिक सेक्शंस, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस है जो बताते हैं कि स्ट्राइक लीगल है या नहीं और किस लाइक किस एक्सटेंट तक लीगल है। सेक्शन 22 ऑफ द आईडी एक्ट यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोहिबिट्स स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी। तो ये सेक्शन क्या कहता है, पब्लिक यूटिलिटी में मतलब ऐसी जगह पे जिसमें पब्लिक सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है आपको, जो आम जनता को जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से स्ट्राइक करना प्रोहिबिट है, गलत है, रॉन्ग है, वो लीगल नहीं है। ठीक है, एंड सेक्शन 23 जर्नली रिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक्स इन अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मेकिंग दैम मोस्टली इलीगल, आप दूसरे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाएगा। हाउ एवर देयर इज एन एक्सेप्शन, बट फिर भी कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, इफ देयर इज एन इलीगल लॉकआउट, अगर कोई लॉकआउट है जो इलीगल है, बिकॉज लॉकआउट इज फ्रॉम द कंपनी साइड, फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, सो अ स्ट्राइक इज रिस्पॉन्स वॉन्ट बी अ स्ट्राइक इन रिस्पॉन्स वॉन्ट बी कंसिडर्ड इलीगल, तो उस स्ट्राइक का जो रिस्पॉन्स होगा वो इलीगल नहीं माना जाएगा, मतलब क्योंकि वो लॉकआउट के रिस्पॉन्स में वो स्ट्राइक है, यानी वो काउंटर है, जवाब दिया वर्कर्स ने लॉकआउट का, तो वो रिस्पॉन्स वो इलीगल नहीं माना जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 23 का। ठीक है, नाउ लीगल सिचुएशंस ऑफ फॉर स्ट्राइक्स आर आउटलाइन एज फॉलोज, फर्स्ट है नोटिस एंड कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 20। कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स बिगिन अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए नोटिस बाय कॉन्सिलेशन ऑफिसर और व्हेन द डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू बोर्ड। तो यानी कि जब भी वर्कर स्ट्राइक पर जाते हैं तो उसके बाद कॉन्सिलेशन की बात होती है, यानी कि अब सुलझेना तो मतलब सुलझाना तो है ही ना बैठ के, तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है, तो ये नोटिस दिया जाता है, यानी कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग बिगेन अपॉन अ रिसिप्ट ऑफ ए नोटिस, एक नोटिस दिया जाता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर के थ्रू व्हेन द डिस्प्यूट इज रेफर टू द बोर्ड, जब ये डिस्प्यूट रेफर होता है बोर्ड को, तो उस नोटिस से
दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, बैठा जाता है, काउंसिलेशन ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, एंड दे सिट एंड टॉक एंड लाइक जो भी उनका इश्यू होता है उसके ऊपर बात करते हैं, और बैठ के बात करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ कम्स लीगल स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ऐसी लीगल स्ट्राइक्स जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है लेकिन वो लीगल है। अ लीगल स्ट्राइक कैन अकर बिटवीन 14 डेज आफ्टर इशूइंग अ स्ट्राइक नोटिस। यानी ऐसी जो स्ट्राइक लीगल है और जिसकी वजह से पब्लिक सर्विसेज को प्रॉब्लम हो रही है, उन स्ट्राइक का पहले नोटिस देना पड़ता है उन्हें, तब लीगल माना जाता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। लाइक 14 दिन पहले यानी 14 डेज पहले आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, एंड बिफोर 6 वीक्स पास फ्रॉम दैट डेट प्रोवाइडेड द डिस्प्यूट हैज नॉट बीन रेफर्ड येट। तो सेकेंड पॉइंट में जो हमने पढ़ा था इसका मीनिंग है, जब आप नोटिस दे दोगे 14 डेज में आपको स्ट्राइक शुरू करनी होगी, और आपकी 6 वीक्स यानी जिस दिन आपने नोटिस दिया है कि स्ट्राइक आपको इस डेट को शुरू करनी है, उसे 6 वीक्स से पहले आपको स्ट्राइक फिनिश करनी होगी, ठीक है, एंड बिफोर 6 वीक पास फ्रॉम दैट डेट प्रोवाइडेड द डिस्प्यूट हैज नॉट बीन रेफर्ड। और तब तक आपकी स्ट्राइक लीगल रहेगी जब तक आपका जो डिस्प्यूट है जिसकी वजह से आपने स्ट्राइक करी है, जो इशू है, जो आपका टॉपिक है स्ट्राइक का जिसकी वजह से आपने स्ट्राइक की है, वो जब तक किसी बोर्ड को रेफर नहीं हो जाता, कोर्ट के पास नहीं चला जाता, किसी अथॉरिटी के पास नहीं चला जाता, तब तक ही आपकी स्ट्राइक लीगल है। जब आपका वो काम हो चुका है, अपर लेवल तक जा चुका है, उसके बाद आपको स्ट्राइक को बंद करना पड़ेगा, वरना अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हो तो स्ट्राइक विल बी इलीगल। नाउ सब्सिक्वेंट स्ट्राइक आफ्टर फेल्ड काउंसिलेशन, यानी कि जब काउंसिलेशन फेल हो जाता है तब की बात करिए। इफ अ न्यू स्ट्राइक नोटिस इज इशूड, अगर एक नया स्ट्राइक नोटिस इशू होता है फॉर द सेम मैटर एज अ प्रीवियस डिस्प्यूट, जो पहला डिस्प्यूट था, क्योंकि जो वर्कर्स को लगता है उनको सेटिस्फैक्टरी डिसीजन नहीं लगता है अगर, तो सो विद अ रिपोर्टेड फेलियर इन काउंसिलेशन द यूनियन कैन प्रोसीड विद अ लीगल स्ट्राइक। तो वो नोटिस देके नए स्ट्राइक का यूनियन जो है लीगल तरीके से नए स्ट्राइक पे जा सकती है आफ्टर द मैंडेटरी 14 डेज, यानी मैंडेटरी टाइम क्या है 14 डे कूलिंग ऑफ पीरियड, अनलेस द गवर्नमेंट रेफर इट टू द लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। यानी कि वो अगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो वो नोटिस देके 14 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड लेके, मतलब नया नोटिस देने के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 14 डेज का, वो लेके फिर वो स्ट्राइक स्टार्ट कर सकती है। और अदरवाइज उनकी स्ट्राइक को स्टार्ट करने से पहले ही अगर गवर्नमेंट जो है उसे लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगर उनका केस चला जाता है तो कोई इशू नहीं है, फिर वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। बट अगर गवर्नमेंट उनका केस रेफर नहीं कर रही है आगे लेबर कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में, तो फिर उनको स्ट्राइक करने से कोई नहीं रोक सकता, देन वो लीगल है इस जगह पे स्ट्राइक उनकी। सो द फेलियर ऑफ प्रीवियस कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स ऑन द सेम ग्राउंड्स अप्लाइज टू द न्यू स्ट्राइक नोटिस। यानी मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाती हूँ, अगर आपकी कंसिलेशन फेल हो गया है तो जो वर्कर्स है वो न्यू स्ट्राइक नोटिस देंगे, ठीक है। अब न्यू स्ट्राइक नोटिस की स्ट्राइक जो है 14 डेज बाद शुरू होनी है। अब उस 14 डेज के बीच अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी जो मतलब उनका जो डिस्प्यूट है उसको किसी ट्रिब्यूनल में भेज देती है, तब तो वो स्ट्राइक इलीगल होगी अगर वो करते हैं तो। अगर वो गवर्नमेंट अगर उनका नहीं भेजती है किसी ट्रिब्यूनल में तो वो स्ट्राइक लीगल है, बिकॉज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है आगे जाके, तो तब वो 14 डेज के बाद अपनी स्ट्राइक को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन द नोटिस ऑल्सो एंड दे हैव द अथॉरिटी टू लाइक टू सिट ऑन द स्ट्राइक। नाउ जर्नल प्रोहिबिशन इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन 23, स्ट्राइक्स इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आर जर्नली प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 23। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में स्ट्राइक्स को जर्नली प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 23 में, एक्सेप्ट वेन देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट किस सिचुएशन में आप स्ट्राइक कर सकते हो, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब, कि आपने जो अग्रीमेंट किया है उसे ब्रीच किया गया है एक साइड से। नाउ व्हाइल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फॉर्म अ यूनियन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात गारंटी करता है कि आप यूनियन बना सकते हैं, एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1)(c) में एंड आर्टिकल 19(1)(a) में रिस्पेक्टिवली। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द राइट टू स्ट्राइक इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिराइव फ्रॉम दीज प्रोविजन, राइट टू स्ट्राइक इन प्रोविजन से नहीं है। हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज एक्नोलेज द राइट टू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, बट ये जरूर कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप पीसफुल स्ट्राइक कर सकते हो, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम अच्छे से समझते हैं।
राइट टू फॉर्म अ यूनियन, अब ये राइट्स की बात करी गई है, ठीक है, जो स्ट्राइक्स जो लोग करते हैं उनके क्या राइट्स है, राइट टू फॉर्म अ यूनियन यानी लेबर के क्या राइट्स है सबसे पहले, तो लेबर का यानी वर्कर्स का सबसे पहले एम्प्लॉयज का राइट है यूनियन बना सकते हैं, और ये राइट उन्हें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स सिटीजन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, दिस प्रोविजन रिकॉग्नाइजेस द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू कम टूगेदर एंड फॉर्म यूनियन। तो ये क्या गारंटी करता है कि जो लाइक दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स और द इंडिविजुअल्स टू कम टूगेदर एंड मेक अ यूनियन, जो अपने उनके अगर राइट्स कोई वॉयलेट करता है तो उसके खिलाफ लड़ सके, इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियंस एज अ मीन्स, ट्रेड यूनियन एज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ट्रेड यूनियन क्यों बनता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, कि एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और जो भी कॉमन इशू सबको होता है उसके बेसिस पर बात की जाती है आगे अथॉरिटीज से, एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द वर्क प्लेस, और उनके वर्क प्लेस पर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट, गुड वर्किंग प्लेस, प्रॉपर वर्किंग टाइम्स और सब चीज़ें अलॉट की जाए विथ प्रॉपर थिंग्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो राइट्स है उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें ट्रेड यूनियन का सहारा लेना पड़ता है। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑफकोर्स ये हमें पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल गारंटी करता है कि यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, वट इज इन योर माइंड, बट हाँ कुछ इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सप्रेशन के लिए भी आप फ्रीडम आपको है पूरी। दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स opinions and viewpoints freely. While the right is crucial for democratic discourse, it doesn't explicitly encompass the right to strike. But ye right to strike ki baat nahi kar raha hai. Now right to strike not derived from article 19 and 19(1)(c) and 19(1)(a). अब right to strike इतना समझ आ गया कि हमें right to strike article 19 से नहीं मिला है, तो फिर despite the constitution guarantees for forming unions and freedom of speech, the right to strike is not explicitly derived from these provisions. The absence of the direct reference to right to strike in the constitution has led to its recognition through the labor laws and statutes. So isliye iski recognition pe kai baar sawal bhi uthte hain kyunki ye constitution ki taraf se nahi hai, theek hai, iski jo recognition hai wo kahan se mili hai, labor laws, labor ke laws se aur unke statutes se. So in labor law, both strikes and lockouts are regulated by legal framework, but their legality hinges on distinct criteria. अब इनकी जो legal है, लेकिन इनकी legality कितनी सही है, किस किस level पे सही है, इनके अलग अलग criteria है तय करने के। So strikes की अगर हम बात करें तो strikes are governed by legal regulations that outline the परमिसेबल कंडक्ट ड्यूरिंग दीज एक्शंस, यानी कि आप स्ट्राइक करने से पहले एक तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते, कोई तोड़ फोड़, कुछ किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब काम नहीं कर सकते, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक का, द गवर्नमेंट शुड नो दैट यू आर गोइंग टू लाइक एक स्ट्राइक होने वाली है। नाउ वायलेशन ऑफ दीज रेगुलेशन कैन रेंडर स्ट्राइक इलीगल, अगर आप कोई भी स्ट्राइक से बना रूल तोड़ते हो तो आपको वो स्ट्राइक आपकी स्ट्राइक इलीगल मानी जाएगी, and exposing workers to potential penalties and consequences, and worker has to face the penalties and consequences. Legal oversight ensure that strikes are carried out in accordance with established rule and safeguarding the interest of both workers and employers. So जो strike है वो एक जो rules है उनके अंदर ही होनी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि workers का भी interest बचा रहा है और employers का भी। नाउ वॉट इज लॉकआउट ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लॉकआउट की चीज़ों पे आएंगे। लॉकआउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक एम्प्लॉयर जो होता है ना वो टेम्परेली शट डाउन कर देता है ऑपरेशन को और प्रिवेंट करता है वर्कर्स को वर्क प्लेस में एंटर करने से, यानी दे डोंट अलाउ द वर्कर्स टू कम टू एंटर इन द वर्क प्लेस एंड लाइक टू कमेंस द वर्क, बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के डिस्प्यूट होते हैं उस बीच, जिसमें वर्कर्स या तो ज्यादा वेजेस मांग रहे होते हैं, कुछ ऐसी डिमांड्स होती है जो एम्प्लॉयर्स मानने को रेडी नहीं होते हैं, तो इस सिनेरियो में लॉकआउट कहा जाता है। लॉकआउट इज अ वे फॉर द एम्प्लॉयर टू पुट प्रेशर ऑन वर्कर्स, जैसे अब वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक के थ्रू इन सब चीज़ों के थ्रू प्रेशर बनाते हैं, ऐसे लॉकआउट के थ्रू एम्प्लॉयर प्रेशर बनाते हैं कि अगर आप अपनी डिमांड्स को छोड़कर काम नहीं कर सकते हो तो हम भी आपको काम करने नहीं दे सकते हैं, इस डिस्प्यूट के साथ आपको पहले इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना पड़ेगा, हम डिस्प्यूट को होल्ड नहीं रख सकते।
नाउ लॉकआउट्स की हम चीजों को देख लेते हैं. नाउ लॉकआउट्स इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉयर्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटिनी. एम्प्लॉयर्स मस्ट एडहेयर टू स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स. जो एम्प्लॉयर है, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में यही चीज है कि लॉकआउट भी कुछ लीगल तरीके होते हैं लॉकआउट करने के भी, जो एम्प्लॉयर को मानने पड़ेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही लॉकआउट हो सकता है. नाउ वॉयलेशन दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स में लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ लॉकआउट एज इलीगल. लॉकआउट भी लीगल हो सकते हैं अगर वो रूल्स वॉयलेट होते हैं और रूल्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया जाता है लॉकआउट, तो भी लॉकआउट वायलेट सॉरी लॉकआउट इलीगल माने जा सकते हैं, ट्रिगरिंग पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व. लीगल ओवरसाइट इन लॉकआउट एम्स टू इंश्योर फेयर एंड लॉफुल प्रैक्टिसेस, मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द पावर डायनामिक बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. यानी जो अगेन इन सारे पॉइंट्स का एक ही चीज है कि एक लॉफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए लॉकआउट. उसका जो एम होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, इंश्योर रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, और जो डिस्प्यूट है बात सिर्फ वहीं तक रहे, उससे ज्यादा कोई और पर्सनल दुश्मनी या किसी इस चीज पे नहीं जानी चाहिए लॉकआउट की बात. और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मानकर ही लॉकआउट करना चाहिए, अदरवाइज वो इलीगल हो जाएगा एंड एम्प्लॉयर्स ऑल्सो हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज और पेनल्टीज वट एवर इज रिटन इन द लॉ. नाउ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कंटेन्स प्रोविजन्स पर्टिकुलरली इन सेक्शन 22 एंड 23 दैट इम्पोज अ जर्नल प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. हेयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर रेलेवेंट प्रोविजन. तो कुछ रेलेवेंट प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने रखी है. सो प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक्स सेक्शन 22. नोटिस रिक्वायरमेंट, स्ट्राइक करने से पहले आपको नोटिस की रिक्वायरमेंट है, नोटिस देना पड़ता है. ये ठीक है ना, वर्कर्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक विदाउट फुलफिलिंग स्पेसिफिक कंडीशन आउटलाइन. यानी जो वर्कर्स खासकर लोगों की सर्विस में लगे हुए हैं जिनसे आम जनता को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोई टैक्सी वर्कर हो गए, बस कंडक्टर्स या बस ड्राइवर्स हो गए, ऐसे लोग हो गए जिनको काम करना है लोगों के हित में और लोगों को जिनसे दिक्कत हो सकती है, ऑटो रिक्शाज वाले हो गए, तो वो जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो वो 14 डेज का नोटिस देके, जब 14 डेज से का पहले नोटिस देंगे उसके बाद ही स्ट्राइक पे जाएंगे. इट इज रिटन इन सेक्शन 22-1. नाउ मैंडेटरी नोटिस, एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड नोटिस ऑफ स्ट्राइक टू द एम्प्लॉयर एंड दिस नोटिस मस्ट बी इशूड विद 6 वीक्स बिफोर द स्ट्राइक डेट. और ये जो नोटिस है ना, कम से कम 6 वीक्स पहले निकलना चाहिए जो स्ट्राइक की डेट है उससे. नाउ द स्ट्राइक कैन नॉट कमेंस विद इन 14 डेज. 14 दिन के अंदर अंदर नोटिस देने के बाद स्ट्राइक कमेंस नहीं हो सकती. क्यों पता? क्योंकि वो 14 डेज इसलिए दिए गए, क्या पता तब तक मैटर सॉल्व हो जाए. स्ट्राइक होने से पहले ही, नोटिस मिलने के बाद ही किसी को ये फर्क पड़ जाए कि नहीं, स्ट्राइक होनी जरूरी नहीं है, इस बात पे इसको हम ही खत्म कर देते हैं, इस मैटर को यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. यू नो नोटिस नोटिस मिलने के बाद आ जाता है टेंशन में कि अच्छा स्ट्राइक हो रही है, अभी मैटर बड़ा बनने वाला है, तो वहां पे कोई ना कोई क्विक एक्शन लेने की सोची जाती है. नाउ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, स्ट्राइक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड 7 डेज. वट दे आर सेइंग अगेन वी विल रीड, स्ट्राइक्स आर नॉट अलाउड, ध्यान से आप वर्ड्स को पढ़ना, स्ट्राइक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग. आप कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है आपकी, तो आप उनके बीच में स्ट्राइक नहीं स्टार्ट कर सकते, लेट इट कंप्लीट. ठीक है, बिफोर अ कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. आपको 7 डेज का वेट भी करना पड़ेगा उसके कंक्लूजन का. ना इलीगल स्ट्राइक्स, एनी स्ट्राइक बाय वर्कर्स दैट वॉयलेट्स दीज कंडीशन इज कंसिडर्ड इलीगल स्ट्राइक अगेन इन सेक्शन 22 इट सीन्स. नाउ प्रोहिबिशन ऑन लॉकआउट सेक्शन 22. नोटिस रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉकआउट, लॉकआउट के लिए भी क्या चाहिए, नोटिस के रिक्वायरमेंट होती है. एम्प्लॉयर्स जो होते हैं जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जुड़े हुए हैं उनको वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं ऐसे स्ट्राइक ऐसे लॉकआउट करने के लिए. सो उनको एक लॉकआउट डिक्लेयर करने से पहले एक नोटिस देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 22-2. मैंडेटरी नोटिस फॉर लॉकआउट, एम्प्लॉयज मस्ट गिव नोटिस ऑफ लॉकआउट टू एम्प्लॉयज विद इन 6 वीक. अगेन वही 6 वीक वाली बात है, 6 वीक बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट. उस लॉकआउट को लगाने से 6 हफ्ते पहले कम से कम नोटिस जाना चाहिए. नाउ टाइम कंस्ट्रेंट्स फॉर लॉकआउट, द लॉकआउट कैन नॉट बी इनिशिएटेड विद इन 14 डेज.
40 लाइक नोटिस देने के बाद 14 डेज के अंदर अंदर लॉकआउट शुरू नहीं होना चाहिए, मतलब 14 डेज गुजर जाने के बाद स्टार्ट करना है। कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स फॉर लॉकआउट सिमिलर टू स्ट्राइक सेम है, कंसिलेशन प्रोसेस चल रहा है तो उस बीच आप लॉकआउट नहीं लगा सकते हो। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ मतलब आफ्टर द कंसिलेशन प्रोसेस एंड उसके 7 डेज बाद ही आप सोच सकते हो इस बारे में। इलीगल लॉकआउट, एनी लॉकआउट डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉयर्स दैट डज नॉट कम्प्लाई विद दीज कंडीशन इज डीम्ड इलीगल। ठीक है, अगर कोई भी इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता लॉकआउट तो वो इलीगल कहलाया जाएगा। इट इज रिटन इन सेक्शन 22 क्लॉज 2। नाउ एग्जेम्पशंस फॉर एग्जिस्टिंग स्ट्राइक्स और लॉकआउट। अब एग्जेम्पशंस क्या है, इफ देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग स्ट्राइक, अगर एक ऑलरेडी एक स्ट्राइक चल रही है या फिर कोई लॉकआउट चल रहा है वो भी रिलेटेड टू द पब्लिक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, उन लोगों ने ही वो रखा हुआ है, तो जो लाइक द रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस इज वेव्ड। उस जो आपने किसी और स्ट्राइक की या कुछ और जो रिक्वायरमेंट होगी नोटिस की उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब तक एक कंप्लीट नहीं होती दूसरी की बात नहीं कर सकते। नाउ इंस्टेड ऑफ नोटिस द कंसर्न पार्टीज मस्ट सेंड इंटीमेशन ऑफ द लॉकआउट और स्ट्राइक ऑन द डे इट इज डिक्लेयर टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी क्या मतलब है इस बात का, अच्छे से समझते हैं। ये जो प्रोविजंस है ये स्ट्रिक्ट कंडीशन पे रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि लीगल रह पाए इस बात का ध्यान रखते हैं जो भी हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है लॉकआउट हो रहा है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू समवेयर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इससे लोगों की जो सर्विसेज है वो डिस्टर्ब होती है। तो चाहे वो स्ट्राइक होगी, प्रोटेस्ट होगा, रोड जाम होगी इस वजह से हो, या फिर वो स्ट्राइक जो है जब ऐसे लोग कर रहे हो जो लोगों की सर्विस में लगे हुए हैं, यानी कि जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, ऐसे लोग कर रहे हो तो भी, तो जो टाइमलाइन गिवन होता है उसके अंडर सारी चीजें हो तो बेटर होता है। ठीक है, तो सेज दैट कुछ कंडीशंस में, अब जैसे हमें 14 डेज का नोटिस एंड ये सब चीजें रूल्स में है, बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जिस दिन स्ट्राइक या लॉकआउट करना होता है उस दिन किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को, जिसके पास ये अथॉरिटी है उसको हम सीधा मतलब उसको वर्कर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनको नोटिफाई करते हैं कि आज ही हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं या फिर आज ही लॉकआउट हो रहा है। ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिनमें 14 डेज का भी टाइम नहीं मिलता है, तो वो भी इसलिए इंश्योर करना पड़ता है, वो भी इसलिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सेम डे पर भी, ताकि वो चीज़ लीगल रहे। तो हर चीज जो है अगर रूल्स के अकॉर्डिंग होती है तो उसे लीगल में काउंट किया जाता है और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। नाउ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज गवर्न बाय सेक्शन 22 एंड दोज इन जनरल इंडस्ट्री कवर्ड अंडर सेक्शन 23। तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे प्रोविजंस की, जो भी स्ट्राइक्स और लॉकआउट के रिगार्डिंग है जर्नल इंडस्ट्रीज में, स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन जर्नल इंडस्ट्रीज इन सेक्शन 23। नॉर्मली जो नॉर्मल बहुत जर्नल इंडस्ट्रीज हो गई उसमें अगर कोई स्ट्राइक और लॉकआउट हो रहा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ नो नोटिस रिक्वायरमेंट, उनकी कोई नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की बात नहीं हो रही है जिससे आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। वो जो भी वो स्ट्राइक की वजह से प्रॉब्लम होगी वो उस रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम होगी, जैसे वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयर्स लॉकआउट कर रहे हैं तो वर्कर्स को होगी, तो जो दो लोगों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है ना उन्हीं के बीच बात रहेगी, तो मतलब इससे आम लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली, इस वजह से इसमें नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिक्लेयर स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रायर नोटिस। नाउ रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग सर्टेन प्रोसीडिंग्स, हाउ एवर इन सेक्शन 23 प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोथ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स इन जर्नल इंडस्ट्री। वर्कमैन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्कमैन तब स्ट्राइक में नहीं जा सकते जब उन्होंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हो, और वो भी जब लाइक नॉट खुद ही बट एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ हो, और जब कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो है ना वो पेंडिंग हो, यानी चल रही हो इस टाइम, पेंडेंसी पे हो या फिर चलने वाली हो, तो उसके बाद कम से कम 7 डेज आफ्टर द कंसिलेशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, और कम से कम 7 दिन का उन्हें वेट करना पड़ेगा उस कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स के फिनिश होने का के बाद। एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉकआउट ड्यूरिंग द पेंडेंसी। एम्प्लॉयर्स जो है वो लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकते, सेम विद लॉकआउट। अगर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है ट्रिब्यूनल कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने, लेबर कोर्ट के सामने या नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने, तो तब भी लॉकआउट नहीं हो सकता है। एंड 2 मंथ्स आफ्टर द कंक्लूजन सच प्रोसीडिंग्स, और कम से कम 2 मंथ्स।
नाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो अप्लाई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्री प्रोसीडिंग. अगर कोई आर्बिट्री प्रोसीडिंग भी पेंडिंग है तो भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है, और वही 2 मंथ्स का वेट करना पड़ता है कंफ्यूजन के बाद भी. अब एकदम से रिजल्ट आने के बाद नहीं, आप ना ही कोई स्ट्राइक और ना ही कोई लॉकआउट लीगली स्टार्ट कर सकते. ठीक है, प्रोवाइड अ नोटिफिकेशन हैज बिन इशूड अंडर सब सेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 10A. नाउ ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन पर्टेनिंग टू द मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट और अवार्ड. अब जिस टाइम पे अवार्ड सेटलमेंट होने वाला है या कोई अवार्ड देने वाला है कोर्ट, तो उस टाइम पे भी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक लेबर्स और द एम्प्लॉयर्स कि आप लॉकआउट या फिर स्ट्राइक को स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 22 एंड 23 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस. दिस सेक्शन स्पेसिफिकली गवर्न स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. नोटिस जरूरी है ऐसे टाइम पे जब आप व्हेन यू आर पर्सन रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. नाउ जर्नल इंडस्ट्रीज में 23 के अंदर नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है उस बीच आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, अदरवाइज आप स्ट्राइक कर सकते हो, आपको नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें. नाउ सेक्शन 24 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्पेसिफाइज कंडीशंस अंडर विच अ स्ट्राइक और लॉकआउट शैल बी कंसिडर्ड इलीगल. अब कौन सी कंडीशंस है जिनमें इलीगल माना जाता है स्ट्राइक और लॉकआउट को, सेक्शन 24 के अंदर वो कंडीशंस दी गई है. इफ द स्ट्राइक इज कंटिन्यू इन वायलेशंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10(3). अगर सेक्शन 10(3) के अंडर ऐसा ऑर्डर है जिसको जिसका वायोलेट किया गया एक स्ट्राइक स्ट्राइक से, तो वो इलीगल मानी जाएगी. अगर इफ अ लॉकआउट इज कंटिन्यूड इन वायोलेशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10(3), अगर सेक्शन 10(3) के अंडर कोई ऑर्डर पास हुआ है जिसे लॉकआउट ने माना नहीं है और लॉकआउट कंटिन्यू होता है उसको वायोलेट करने में, तो भी लॉकआउट इलीगल माना जाएगा. इफ अ स्ट्राइक इज कमेंस्ड और डिक्लेयर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 और 23, अगर स्ट्राइक ऐसे किसी प्रोविजन को नहीं मान रही है, वो कमेंस हो रही है और या फिर वो डिक्लेयर की जा रही है जिससे किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, तो भी उसे लीगल माना जाएगा. इफ अ लॉकआउट इज कमेंस और डिक्लेयर्ड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23, अगेन इट इज इलीगल. इफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट इज कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10A और 4A, तो भी इनको इलीगल माना जाएगा. बेसिकली जो भी प्रोविजंस और रूल्स कहते हैं, कोई ऑर्डर है जो कहता है कुछ और उसके बाद भी उसे वायलेट करके वो चीज हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीजें उनमें गिवन है जो वो कह रहे हैं कि इन कंडीशन में स्ट्राइक नहीं होगी, लेकिन आप उन कंडीशन के होते हुए भी स्ट्राइक कर रहे हो, तो आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपकी स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी. तो आप इन सारे पॉइंट्स का एक ही कंक्लूजन समझ लीजिए कि रूल्स को मानना पड़ेगा, रूल्स अगर नहीं मानते हो तो आपकी स्ट्राइक जो है वो इलीगल मानी जाएगी, रूल्स का मानना जरूरी है. नाउ एक्सेप्शंस फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके एक्सेप्शंस. सेक्शन 24 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, स्ट्राइक्स और लॉकआउट शैल नॉट बी डीम्ड इलीगल. कब तक इलीगल नहीं माने जाएंगे? इफ दे आर इन पर्सुएट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू द बोर्ड एन आर्बिट्रेटर लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल. अब स्ट्राइक और लॉकआउट कब इलीगल नहीं माने जाएंगे? जब वो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल से पहले ही शुरू हो चुके हैं, उसके बाद जो मैटर है वो ट्रिब्यूनल तक गया है तब. नाउ द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सच स्ट्राइक्स और लॉकआउट इज कंसिडर्ड लीगल. तो अब उस सिचुएशन में जब प्रोसीडिंग्स बाद में शुरू हुई है और पहले से स्ट्राइक और लॉकआउट तक बात पहुंच गई थी, तो इस सिचुएशन वो लीगल मानी जाती है. नाउ गिवन दैट दे वर नॉट इनिशिएटेड इन कॉन्ट्रावेंशन. अब ये भी एक और दूसरा पॉइंट है कि स्ट्राइक को और लॉकआउट को तब भी लीगल माना जाता है, उनके कॉन्टिन्यू रहने को तब भी लीगल माना जाता है जब वो किसी भी एक्ट या प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंशन यानी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं किसी भी एक्ट या प्रोविजन का तब. नाउ थर्ड पॉइंट, एडिशनली अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इलीगल स्ट्राइक और अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इलीगल लॉकआउट इज नॉट डीम्ड इलीगल. एक स्ट्राइक है, ठीक है, जो कि इलीगल है, तो उसके काउंटर यानी उसके रिस्पॉन्स में एक लॉकआउट किया गया है तो उसे लीगल माना जाएगा. अगर एक लॉकआउट है जो कि इलीगल है तो उसके रिस्पॉन्स में एक स्ट्राइक की गई है तो उसे
लीगल माना जाएगा। क्लियर? अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पेनल्टीज आर एस्टैब्लिश फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो अब इन पेनल्टीज को समझ लेते हैं। इलीगल स्ट्राइक सेक्शन 26 में पेनल्टीज गिवन है। इफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन इलीगल स्ट्राइक में फेस पनिशमेंट इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 month और अ फाइन दैट कैन एक्सटेंड टू 50 रुपीज और बोथ। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज एंड पेनलाइज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इट द स्ट्राइक कॉन्ट्रवेंट द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो आपका ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसके क्या क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, जिसको पनिशमेंट हो रही है लीगल स्ट्राइक पे, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि डिस्करेज कर रहा है वो। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज एंड पेनलाइज इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक्स दैट कॉन्ट्रवेंट द प्रोविजन। तो अब इसका जो पेनल्टी वगैरह देना है, इसका क्या है कि गलत स्ट्राइक में, लीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन बंद कर दो, इस वजह से पेनल्टी लगाई गई है और पनिशमेंट दी गई है। इलीगल लॉकआउट, सिमिलरली दोज एंगेज इन एन इलीगल लॉकआउट, जो लोग इलीगल लॉकआउट्स में एंगेज हैं उनको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी सेक्शन 26 के तहत। द पनिशमेंट में इन्वॉल्व इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 1 month, अ फाइन दैट में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज और बोथ। दिस प्रोविजन एम्स टू डेटर एम्प्लॉयर्स फ्रॉम इनिशिएटिंग लॉकआउट्स दैट आर नॉट इन कॉम्प्लायंस विद लीगल। अब ये प्रोविजन क्या हेल्प करता है कि एम्प्लॉयर्स को ऐसे लॉकआउट करने से रोका जाए जो इलीगल है और जो गलत है, जो लीगल फ्रेमवर्क में आते नहीं है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द ओवर आर्चिंग गोल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द वर्कर टू स्ट्राइक एंड द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स टू इम्प्लीमेंट लॉकआउट्स। अगेन मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, जो इसका मेन गोल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, ये मेन गोल क्या कहता है, द राइट टू राइट, द राइट ऑफ वर्कर्स टू स्ट्राइक। राइट ऑफ, राइट है वर्कर्स का स्ट्राइक करना, और एम्प्लॉयर्स का राइट क्या है, लॉकआउट करना जब भी कोई इशू होता है ऐसा, इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। अब ऐसा नहीं कि वर्कर्स को स्ट्राइक का एक हथियार दे दिया, एम्प्लॉयर्स को भी हथियार दिया गया है कि अगर उनको कुछ गलत लगता है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर लॉकआउट। नाउ लेजिस्लेशंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स फॉर पीसफुल इन्वेस्टिगेशंस, सेटलमेंट्स, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एमिंग टू प्रिवेंट रिसोर्टिंग टू इलीगल स्ट्राइक्स। और ये सारे लीगल मैकेनिज्म्स हैं इन चीज़ों को सुलझाने के, ताकि इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स ना हो। नाउ एप्लीकेबिलिटी बियॉन्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन केस वेयर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विस रूल्स टिपिकली प्रोवाइड सूटेबल मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कुछ भी होता है, जिससे उनपे पहले से ही लिखा जाता है कि क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जब कोई सिचुएशन आती है तो कंसिलेशन करानी है आपको, आर्बिट्रेशन पे जाना है या क्या करना है क्या नहीं, वो चीज़ें पहले तय होती है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होना है। Engaging in lockouts or strike that directly contravene these contracts or services rules is considered illegal. ऐसी strikes और lockouts में engage होना जो सीधा सीधा contract को खारिज कर रही है, तो वो illegal मानी जाएगी। That's it in this video. I hope video आपको समझ आई होगी, सारे points मैंने cover कर रहे हैं इस video के अंदर, इसलिए video लंबी बनी थी, क्योंकि पूरा का पूरा syllabus इसमें, मतलब मैंने वो पूरा एक part है syllabus का वो cover किया है। सो अगर फिर भी कोई डाउट है, इफ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।